डब्ल्यूबीजी 2024 में आपके कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का नाम क्या, इनकी कट ऑफ कैसे जाते हैं, और साथ में हम आज की वीडियो में जानेंगे कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या क्या कोर्स मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सोच कर रखिए कि जो है आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और साथ में दोस्तों, आप अगर हमारे काउंसलिंग असिस्टेंस में रजिस्टर करना चाहते हैं, मुझे चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग असिस्टेंस के लिए एक अच्छा सा पीडीएफ बना के दूं और साथ में आप इन सारे कॉलेजेस में ठीक से जाकर अप्लाई कर सकें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए आप लोग नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, स्ट्रेट जाकर अप्लाई करें और आप लोगों को कॉल बैक आ जाएगा इन 5 to 6 आवर्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है किसी भी डिजायर वीडियो को खोज रहे हैं, चाहे वो काउंसलिंग रिलेटेड हो, किसी कॉलेज के रिलेटेड, तो आप हमारे एक्सेल शीट को जरूर जाके विजिट करें। एक्सेल शीट पे कंट्रोल एफ मारकर आपको जो भी कॉलेज आपका, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो अगर डिजायर वीडियो हमारे चैनल पे होगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी, ये पर्टिकुलर कॉलेज में आप लोग को फार्मेसी पढ़ाया जाता है। इस कॉलेज में टोटल हमें 60 सीट्स देखने को मिल रहा है। इस कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो कैंपस काफी ओल्ड कैंपस है। इसमें आपको टोटल फी स्ट्रक्चर सिर्फ 12,000 रुपए पर ईयर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करूं तो इस कॉलेज की कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप लोगों को 2022 में 2980 देखने को मिला था। और दोस्तों, ये 2022 की क्या बात करूं, हर बार इसकी 2,000 से 3,000 तक कट ऑफ होती है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो इस कॉलेज में सिर्फ 20 to 30% प्लेसमेंट ऑन बैच होता है, तो ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। बट ओवरऑल में फी स्ट्रक्चर कम होने के कारण और प्लेसमेंट अच्छा ना होने के कारण मैंने इसको 18th रैंक किया है। और फार्मेसी काफी कम ही बच्चे पढ़ते हैं, ओवरऑल में अच्छे बच्चे आजकल आ रहे हैं फार्मेसी के अंदर, इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बट फिर भी जो है डिमांड कम होने के कारण मैंने इसको 18th रैंक किया है। आप अगर फार्मेसी की बेस्ट कॉलेज की बात करें तो इसको 1 रैंक भी आप दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारी नंबर 17th कॉलेज एक ऐसी कॉलेज है जिसका कट ऑफ आप लोगों को 79,000 तक देखने को मिल जाता है। और इस कॉलेज का नाम है वेस्ट बंगाल एनिमल एंड फिशरी साइंस। इस कॉलेज में टोटल 44 सीट्स हैं और एक ही ब्रांच पढ़ाई जाती है, डेयरी टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज भी कैंपस में आता है, BCKV के कैंपस, जो एक एग्रीकल्चर कॉलेज है। इस कॉलेज की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग को सिर्फ 12,000 रुपए पर ईयर देखने को मिलता है। फीस कट ऑफ की बात करूं तो 2022 के हिसाब से 79,000 की कट ऑफ थी। इसका कारण ये है क्योंकि दोस्तों, इस कॉलेज के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में है। इस वीडियो के बाद शायद हो सकता है कि काफी लोग इसमें अप्लाई करें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इस कॉलेज की फीस प्लेसमेंट्स की, तो 95% जो है इसकी प्लेसमेंट हो जाती है और हाईएस्ट पैकेज इसमें 5 लाख और एवरेज पैकेज 4 लाख देखने को मिलता है। मतलब प्लेसमेंट अच्छा है, कट ऑफ लो है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन काफी कम बच्चों को है। इसके बाद बात करूं तो हमारे नंबर 16th और 15th में 2 एग्रीकल्चर कॉलेज आते हैं जिसका नाम है उत्तर बंगा कृषि विद्यालय और विधान चंद्र कृषि विद्यालय। अगर आप लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्पेशली पढ़ना चाहते हो तो आप इस ब्रांचेस को इन दोनों कॉलेजेस में चूज कर सकते हो। इन कॉलेजेस का कट ऑफ की बात करूं तो 6,000 से 13,000 तक इसकी क्लोजिंग रैंक हो जाती है और इसमें प्लेसमेंट की बात करूं तो सिर्फ 40 to 50% प्लेसमेंट होता है। हर बच्चा एग्रीकल्चर पढ़ता है क्योंकि उसको हो सकता है कि फ्यूचर स्टडीज करने की शौक हो, और इतना फीस कम होने के कारण आप लोग को फोकस भी बना रहता है, कोई डेप्थ आपके ऊपर नहीं चढ़ता। पर बात करूं दोस्तों कि इन कॉलेजेस में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है तो इन दोनों कॉलेजेस का मैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले आ चुका हूं इस वीडियो में। आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इन कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, कैंपस कैसा है, और पूरा डिटेल्स मैं इन्हीं कॉलेजेस में दे चुका हूं, इन वीडियो में दे चुका हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए, मैं ज्यादा इस कॉलेज के बारे में जो है इन डेप्थ रिव्यू में नहीं जाने वाला। नंबर 14th कॉलेज की, जिसका नाम है मकाउट कॉलेज। अब मकाउट में प्लेसमेंट्स अच्छा होता है, पर फिर क्यों आपने इसे 14th पे रखा है? सिंस दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज आपका जो चेजिंग होता है वो आप लोग सिर्फ फीस स्ट्रक्चर के लिए करते हो, तो दोस्तों आप लोगों को मैंने इसको 14th नंबर पे रखा है। मकाउट कॉलेज की बात करूं तो ये कॉलेज को जो है एक यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कॉलेजेस में अफिलिएट करवाती है, पर इसकी जो अपनी कॉलेज है इसके अंदर सिर्फ CSE और IT ब्रांच को पढ़ाया जाता है। इनमें सीट्स भी काफी कम होता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 24 लाख के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहा है, एवरेज पैकेज 4 लाख तक मिल जाता है। प्लेसमेंट बात करूं तो सिर्फ 80% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। कट ऑफ की बात करूं तो 4,000 में इसकी कट ऑफ देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करूं तो दोस्तों, इस कॉलेज में पर इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 2 लाख तक देखने को मिलती है, और 2 लाख आपके 4 सालों की फीस है। अगर आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है तो इस कॉलेज को आप नंबर 2-3 में रख सकते हो, बट अगर आपके लिए 2 लाख बहुत बड़ा इशू है और सिंस आप लोगों को सिर्फ 24-25-30 हज़ार रुपये में अपनी ग्रेजुएशन करनी है, तो हो सकता है कि दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज को आप नीचे कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें हमारे सेकेंड कॉलेज की, नंबर 13th कॉलेज की, इसका नाम है UIT वर्धमान।
ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है और इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर में आप लोग को 1 लाख रुपए पर ईयर देखने को मिल जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 82 आप लोगों को 1 लाख रुपीज पर ईयर। इस कॉलेज में टोटल 9 ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं और पर ब्रांच में 60 सीट्स रखा जाता है। इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ सीएससी की कट ऑफ, तो आप लोग को 5000 देखने को मिलेगी और जनरल में, और जेलेट की भी रैंक जो है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस कॉलेज की अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो कॉलेज क्लेम करती है अप्रॉक्सिमेटली 24 लाख और 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, और एवरेज पैकेज यहाँ पर 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक देखने को मिल जाता है। इस कॉलेज को जो है दोस्तों आप लोगों को कैंपस ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, बट ये सिटी से आउट है तो ये आपको बर्धमान में देखने को मिलेगा। इस कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ टॉप ब्रांच में पढ़ने की सोचिए, न्यूअर ब्रांचेस में पढ़ने का उतना मत सोचिए क्योंकि प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता। बट इसके अलावा दोस्तों ये कॉलेज भी काफी अच्छी है। सबसे अगर खास बताओ यूआईटी बर्धमान की, तो ये बर्धमान में आप लोगों अगर किसी कैटेगरी से हो तो आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और यूआईटी बर्धमान एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो अदर स्टेट्स के लिए खुला हुआ है। अभी तक जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट ऑफ जलपाईगुड़ी को छोड़कर आप वेस्ट बंगाल एनिमल एंड फिशरी साइंस, इसके अलावा मकाउट, यूआईटी बर्धमान, ये सारे कॉलेजेस अदर स्टेट के लिए खुले हुए हैं, तो अदर स्टेट कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में 2022 से ही सिर्फ सीएससी स्टार्ट हुआ है, बट सिंस बताया आप लोगों की बच्चा लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे क्रेज हो जाता है, उनको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज ही माई बाप है हमारा, तो दोस्तों इस कॉलेज में जो है कट ऑफ आप लोगों को 4000 देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज काफी कम लोगों को है। इसके अलावा दोस्तों इस कॉलेज में अभी तक एक बार भी प्लेसमेंट नहीं हुई है, सिर्फ ईआई बैच की एक बार प्लेसमेंट हुई है, जो मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन नहीं है। इस कॉलेज के अभी इन डेप्थ रिव्यू और कैंपस का पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ, आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, तो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद एक मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, सारे वीडियो जो मैंने बताए थे वो सारे वीडियो आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। इसके बाद मैं बताऊँ तो दोस्तों हमारी इस कॉलेज में भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कट ऑफ आप लोगों को 4-5 हज़ार देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिर्फ आप लोगों को 18 हज़ार में इसका फीस जो है क्लोज होता हुआ दिखेगा। इसके बाद मैं बताऊं तो आप लोगों को 18 हज़ार रुपये पर ईयर। इसके बाद हमारे पास जो कॉलेज है वो हमारी नंबर 11th कॉलेज है, दैट इज घानीघान चौधरी कॉलेज। ये कॉलेज को तो हमेशा टॉप पे होना चाहिए था, बट दोस्तों अभी ये कॉलेज काफी नया है और 2022 में इसकी पहली ग्रेजुएशन हुई है। ये कॉलेज जो बात करूं तो ये GFTI कॉलेज है, आपने सुना होगा IIITs GFTI, तो ये एक GFTI कॉलेज है। इस कॉलेज में JEE मेंस के रैंक के द्वारा आप लोग को 8 लाख 7 लाख तक भी कट ऑफ देखने को मिलता है। इस कॉलेज में अभी तक प्लेसमेंट एक बार भी नहीं हुई है। इसकी WBJEE कट ऑफ की बात करूं तो आप लोग को 13,000 से लेकर 22,000 देखने को मिलेगा। इसमें कॉलेज में इंटर्नशिप अच्छा मिल जाता है। इस कॉलेज का डायरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स है, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस कॉलेज में आप लोग को 3 ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं और टोटल आप लोगों को यहाँ पर 60 सीट्स के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस कॉलेज के बाद हमारी नंबर 10th कॉलेज की, घानीघान चौधरी कॉलेज में भी अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक अदर स्टेट कैंडिडेट हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के जान सकते हो कि आप कैसे बना सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बट अगर आपको नहीं बनाना है, आपने सोच रखा है कि मुझे नहीं बनाना है पर गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पार्ट में जाके स्किप कर सकते हो। यहाँ से जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे जो है कॉलेजेस अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग बात करने वाले हैं अभी रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो इन स्टेट कैंडिडेट्स को अप्लाई करने को मिलता है। इस कॉलेज में टोटल 5 ब्रांचेस हैं, 63 सीट्स हैं। इस कॉलेज में सीएससी और ईसी का फीस जो है 6,000 रुपये पर सेमेस्टर है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आप लोग को 3,000 रुपये पर सेमेस्टर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करूँ तो इस कॉलेज में आपको सीएससी का कट ऑफ 5,000, सिविल का कट ऑफ आपको 13,000 देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी में। कोई अदर कैटेगरी है तो आप लोग उसकी कॉलेज के पूरे इन डेप्थ जाकर आप डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हो। जेलेट में भी जनरल में आप लोगों को 5,000 का कट ऑफ देखने को मिलेगा। एवरेज की बात करूँ तो इस कॉलेज में 4.2 लाख का एवरेज हो जाता है, हाईएस्ट पैकेज 8 लाख है। इस कॉलेज में भी 60-80% प्लेसमेंट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा इस कॉलेज में बच्चे ट्राई करते हैं कि जो है किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करें, सिंस इतना फीस कम है। कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉलेजेस हैं आज के दिन। इस कॉलेज की कैंपस काफी बेहतरीन है। इस कॉलेज की बात करूँ तो 5 ब्रांचेस हैं, 45 सीट्स करके हैं। इस कॉलेज में आप लोग को कोर ब्रांच में अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करूँ तो 5,000 से 13,000 तक देखने को मिलेगी। इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर भी एकदम पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज की तरह सेम टू सेम है। इस जेलेट में भी आप लोग को 500-700 कट ऑफ में देखने को मिल जाएगा। सीएससी और ईसी की बात करूँ तो 90% प्लेसमेंट अप्रॉक्सिमेटली हो जाता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 4.2 लाख मिलता है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 22 लाख है, जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरमपुर, इस कॉलेज में 4 ब्रांचेस हैं, 6,000 रुपये पर सेमेस्टर इसकी फीस स्ट्रक्चर है। 50% से लेकर 70% की प्लेसमेंट, कट ऑफ आपको 5,000 से लेकर 15,000 देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पे WBJEE में। जेलेट में भी आपको 500 से लेकर 1500 तक जो है इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 7.8 लाख है, एवरेज पैकेज यहाँ पर 3.8 लाख है। इस कॉलेज में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में ही ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। उतनी अगर बात करूँ तो फीस इतना कम होने के कारण बच्चा जो है बाहर के जो अच्छे ब्रांचेज जिनमें पढ़ाई हो सके उनमें ट्राई करते हैं।
नंबर सेवन कॉलेज की बात करूँ तो दोस्तों हमारे पास है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सहारनपुर। ऐसे ही दो कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल में जिसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, और इन दोनों कॉलेजेस का अभी मैंने मेंशन किया। इस कॉलेज में 4 ब्रांचेस हैं, 38 सीट्स हैं। इस कॉलेज की बात करूँ तो इसमें अप्रैल टेक्नोलॉजी नाम की भी एक अप्रैल प्रोडक्शन नाम की एक अलग सी ब्रांच है जिसमें जो है फीस स्ट्रक्चर आपको कम देखने को मिलेगा। इस कॉलेज में हाइएस्ट पैकेज 7 लाख, एवरेज पैकेज 3.5-4.5 हज़ार में आपको सीएससी, और यहाँ पर आपको 20 हज़ार तक अप्रैल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जिलेट में 400 से लेकर 1400 रैंक में आपकी एंट्री हो सकती है। इसके बाद मैं बताऊँ तो आप लोगों को नंबर 6 कॉलेज की, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, मतलब ये एक सेंट्रल अलर्टा कॉलेज है। इस कॉलेज में जो है सीएससी आईटी और लेदर टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है एज पर द नेम। इस कॉलेज में आपको आईटी में फीस जो है 24 हज़ार रुपये पर ईयर, सीएससी में 12 हज़ार रुपये पर ईयर, और लेदर टेक्नोलॉजी में 6,000 रुपीज़ पर ईयर की फीस स्ट्रक्चर है। WBJEE में कट ऑफ की बात करूँ तो सीएससी 3,000, आईटी 5,000 और लेदर टेक्नोलॉजी 12,000 तक कट ऑफ देखने को मिलेगा। इस कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज 12 लाख है जो ऑफ कैंपस है, एवरेज पैकेज आपको 3.6 लाख देखने को मिलता है। इस कॉलेज में भी जो है दोस्तों आप लोगों को आईटी में अच्छा प्लेसमेंट नहीं, बट सीएससी में ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी में भी 80% का प्लेसमेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज में आप लोगों को सेरेमिक टेक्नोलॉजी एक ब्रांच देखने को मिलेगी, और एक आईटी और एक सीएससी देखने को मिलेगा। इस कॉलेज में तो बताओ तो दोस्तों आप लोगों को हाईएस्ट पैकेज 7.8 लाख, एवरेज पैकेज यहाँ पर 3.6 लाख देखने को मिलता है। ओवरऑल में दोस्तों यहाँ पर 80-90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, सिंस ये सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज है। इस कॉलेज की अगर मैं कट ऑफ की बात बताऊँ तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसकी कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है, जो मेरे ख्याल से काफी ऊपर की कट ऑफ है, और 3-5 हज़ार तक में आप लोग को इसकी कॉलेज की कट ऑफ जो है क्लोज होते हुए दिख जाएगी। इस कॉलेज में हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोग को सेरेमिक टेक्नोलॉजी एक अलग सा ब्रांच देखने को मिल जाता है, सिंस गवर्नमेंट कॉलेज है तो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर भी तो मैंने आप लोग को बताया कि सीएससी में 14,000, आईटी में 26,000 एंड लेदर टेक्नोलॉजी में 8,000 सब कुछ पर ईयर है। इसके बाद हमारे पास जो कॉलेज आती है दैट आर टॉप 4 कॉलेजेस, और इन कॉलेजेस में अगर आपको सीट मिलता है तो यू शुड गो विदाउट एनी हेजिटेंस। और ये सारे कॉलेजेस का नाम है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं बताऊँ तो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज और कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ इन स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अभी से लेकर टॉप 10 के जितने भी कॉलेजेस थे उन सारे इन स्टेट के थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोग को एक खास बताता हूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो मीडियम पैकेज है दैट इज 9 लाख एज पर द NIRF डेटा विच दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो चलिए अभी बढ़ते हैं और टॉप 4 कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कि मैंने बताया इस कॉलेज में भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स नहीं जा सकते, बट हाँ दोस्तों अदर स्टेट कैंडिडेट्स अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज की कट ऑफ हाई होती है, इस बार हाईएस्ट पैकेज काफी बेहतरीन देखने को मिला 44 लाख का, एवरेज पैकेज जो है 2022 में भी देखा गया था सीएससी की एवरेज पैकेज 14 लाख के अप्रॉक्स क्रॉस कर गई थी, और 8 लाख जो है अप्रॉक्सीमेटली सीएससी की पैकेज चलती है। पर अगर हम लोग मीडियम पैकेज की बात करें सारे ब्रांचेस को मिला के तो मैकेनिकल ये सब में प्लेसमेंट्स होती ही नहीं है ऑलमोस्ट, बट हाँ बस दोस्तों सब मिलाकर जो है 5-6 लाख का जो है एवरेज पैकेज हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल में जो है सिर्फ सीएससी और आईटी के लिए ये कॉलेज अच्छी है। अपर जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी बहुत ही फेमस कॉलेज है। अब चलिए बात करते हैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो कवर हो गया, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इस कॉलेज की बुरी बात यह है कि आप लोग अगर अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो आप इस कॉलेज में नहीं ले सकते दोस्तों एडमिशन, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप नहीं ले सकते इसमें एडमिशन, आपको इन स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के द्वारा ही एडमिशन ले सकते हो। अब कॉलेज की जो प्लेसमेंट डेटा थी पहले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी, अब दोस्तों अभी जो है प्लेसमेंट इस साल जो है काफ़ी ख़राब हुई है, इसके आगे साल भी काफ़ी ख़राब हुई थी, बट हाँ 2019-2020 में अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिली है इस कॉलेज में, पर यहाँ पर अभी जरा सा गड्ढक मंगाया है। अब जो है इसकी जो एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 3-4 लाख है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें फीस स्ट्रक्चर मैक्सिमम ब्रांचेस की बहुत ही कम है, बस आईटी ब्रांच की जरा सा ज़्यादा है। ओवरऑल में मिलाए तो 70,000 की जो है इसकी फीस स्ट्रक्चर है आईटी या ये सब को लेकर, तो अप्रॉक्सीमेटली आरओआई जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप किसी भी तरह इस कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे तो अच्छा है, कैंपस बहुत ही अच्छा है, आप इंजॉय कर सकते हैं अपने 4 साल। इसके बाद हम लोग सेकेंड कॉलेज की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे बेहतरीन कॉलेज अगर हम लोग बात करें दैट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसकी 6,000 फीस है,
पर ईयर की, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 24,000 की जो है इसकी फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। और आप लोग इसमें इस कॉलेज में अगर लेना चाहते हो एडमिशन, तो आप किसी भी अदर स्टेट, इन स्टेट जो भी हो, आप लोग WBCA एग्जामिनेशन के द्वारा 100% सीट जो है फुल की जाती है। इसमें देखा नहीं जाता कि कौन इन स्टेट है, कौन अदर स्टेट है। इस कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, बट अगर इन कैंपस की बात करें तो 10 लाख का जो है हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज अराउंड 3-4 लाख रुपीज़ पर ईयर देखने को मिल जाता है। पर आप देखिए ROI कितना बेहतर है, इसलिए जो है इन स्टेट के लिए, और बहुत हाईएस्ट पैकेज कहते हैं, कुछ लोग 18 लाख का है, कुछ कहते हैं एवरेज पैकेज इसकी 6 लाख के, बट इनकी जो प्लेसमेंट डेटा है वो कभी लीक नहीं हो पाती। तो एज अ यूट्यूबर हम किसी भी इंसान के प्रस्पेक्टिव से जो है आप लोगों को कुछ नहीं बता सकते, बट अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि ये डेटा जो है गलत है, तो क्या है सही डेटा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों की मदद कर सकता है। कि अगर कमेंट पसंद आए मुझे तो मैं ज़रूर उसको पिन कर दूंगा फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो पहले जो हमारे कॉलेज है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा दोस्तों कि WBCA में सबसे प्रेफरेबल चॉइस है। 90% सीट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे थ्रू द WBCA एग्जामिनेशन फॉर द इन स्टेट कैंडिडेट, एंड 10% सीट फॉर द अदर स्टेट कैंडिडेट्स, मतलब कॉम्पिटिशन अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 1.8 CR का देखने को मिलेगा, और आपको एवरेज पैकेज 20 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा, 18 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, और मीडियम पैकेज जो उन्होंने दे रखा है दैट इज 9.75 लाख फॉर द BTech डिग्री। तो WBCA एग्जामिनेशन तो आप BTech ही जाओगे, तो BTech वाली ही बात आज की वीडियो में करेंगे। कैंपस काफ़ी बेहतरीन है, कॉलेज भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसकी फीस की बात करें तो 3,000 रुपये पर ईयर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 10,000 रुपये आप लोगों को पूरे मैंने 4 सालों का फीस देखने को मिलेगा। तो हाइएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ पूरी इंडिया में सबसे हाईएस्ट ROI इस कॉलेज की रहती है। WBCA NJEE की काउंसलिंग मेंटोरशिप हमारे यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इजीली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसान है। बात कर लेते हैं कि इसमें क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे और कितना ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिल जाएगा वो है डायरेक्ट कॉल सपोर्ट, जहां पर आपके पास एक पर्सनल नंबर रहेगा मेरा, जिसमें आप लोग कभी भी चाहे तो अपने क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग के रिलेटेड, कॉलेजेस के रिलेटेड, ब्रांचेस के रिलेटेड, कोई भी चीज, आपको कोई भी असुविधा ऑन द गो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग टिल द एंड ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, कभी भी आपको ये सपोर्ट अवेलेबल किया जा सकता है।